हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं एक फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गई हूँ, ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्न का। तो इस बार मैं ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में बनाऊंगी। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो मैंने कुकर में बनाया था, अभी इस टाइम मैं माइक्रोवेव में बना के बताऊंगी कि ये माइक्रोवेव को कैसे पॉपकॉर्न को कैसे माइक्रोवेव में बनाना है। तो इसका ये वाला है बटर पॉपकॉर्न। तो इसको हम ओपन करते हैं, फिर इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं पैक पे कैसे लिखा है, उस हिसाब से हम फिर इसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये ऐसे पेपर में है, तो इस पे देखो, इस पे ऐसे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न इंस्ट्रक्शन। तो माइक्रोवेव में जितना फुल पावर उस पे रख के हमें 4 मिनट्स तक उसको माइक्रोवेव में रखना है। तो चलिए हम इसको माइक्रोवेव में रख के इसका सेटिंग करते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, इस पैक को इस पे लिखा है कि इसको 4 मिनट्स तक माइक्रोवेव में रखना है। तो ये पैक को ऐसे करके इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे। इसको रख दिया मैंने माइक्रोवेव में। देन यहाँ पे माइक्रोवेव सिलेक्ट करके, ये लास्ट वॉट है, इसको सिलेक्ट करके इसका 4 मिनट तक मैं सेट कर दूंगी। इसको 4 मिनट तक सेट कर दिया है मैंने, और इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। और इसे हमें कंटिन्यू देखते रहना है, ऐसा नहीं कि 4 मिनट रख दिया तो रख के हम भूल जाए। उसको हमें देखते रहना है, जैसे ही उसका पॉपिंग बंद हो जाएगा उसको बंद कर देना है, क्योंकि वो 4 मिनट से पहले कभी कभी हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉपिंग होना स्टार्ट हो गया। वो कैसे, वो पेपर जो है वो फूलने लगा है। अभी इसका 2 मिनट से भी ज़्यादा है टाइम, बट फिर भी देखो कैसे फूलने लगे हैं। तो इसको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। फ्रेंड्स देखिए, अभी इसमें से पॉपिंग का आवाज अभी आना थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, मतलब अभी वो ऑलमोस्ट बन गया है। तो हम थोड़े टाइम और 1-2 सेकंड रुकेंगे, देखेंगे अगर पॉपिंग का आवाज बंद हो गया तो हम इसको फिर स्टॉप कर देंगे। देखिए अभी पॉपिंग का आवाज नहीं आ रहा है, मतलब एक 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 ऐसे बीच में फूट रहा है। तो हम और 2-3 सेकंड रुकते हैं। देखो अभी एक भी नहीं आ रहा है पॉपिंग का आवाज, तो मैं अभी इसको स्टॉप कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको ना हमें आराम से निकालना है, क्योंकि ये ना थोड़ा गर्म रहेगा। देखिए ये कैसे सील है, इसको मैं निकालती हूँ। देखो पूरा भरा हुआ है ये ऐसे। अभी मैं इसमें से, ये मैंने माइक्रोवेव से निकाल दिया है, और अभी देखो यहाँ से ना, ये यहाँ से उसको ओपन करना है। तो थोड़ा आराम से ओपन करना, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा वेपर्स रहेंगे ना, तो हाथ पे लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे एक एक सब ऐसे पॉप हो गए अब हमारे पॉपकॉर्न्स, क्योंकि सारे इतने अच्छे अच्छे हैं ना, सब सब हो गए। सो वो भी इतने अच्छा खासा फूले हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे वो पैक में कुछ मसाला नहीं है इसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि ये बटर वाला है। तो इसको ऐसे ही हम खाएंगे फिर, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो आप भी ट्राई कीजिए इसको माइक्रोवेव में बना, माइक्रोवेव में उल्टा जल्दी बन जाता है कुकर से। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।